सारे साथी काम के सबका अपना मोल, जो संकट में साथ दे वो सबसे अनमोल। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बेटा एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक महीने में दो एकादशी होती है, तो टोटल होगी 24। एक बड़ा हुआ महीना आता है 3 साल बाद, तो दो उसकी लगा लो तो टोटल 26 एकादशी होती है। और सब एकादशियों का अपने अपने नाम के अनुसार महत्व होता है। अभी जो मार्गशीर्ष, जिसे अघन का महीना भी कहते हैं, कुछ मंगसिर कुछ मगर, जो भी आप नाम से जानते हो, तो इसके कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आ रही है वो है उत्पन्ना एकादशी, क्योंकि इसी दिन एकादशी का जन्म हुआ था। और जो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से एकादशी का व्रत करते हैं या मात्र कथा सुन लेते हैं, तो उन्हें सब प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। हम संसार के अंदर मनुष्य जीवन पाकर चाहे कितने भी और कार्य कर ले, दान पुण्य कर ले, तप कर ले, लेकिन अगर हमने एकादशी का व्रत नहीं किया तो हमें उसके पुण्य की प्राप्ति भी नहीं होती है। तो ये एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है? दशमी के दिन हमें एक समय भोजन करना है, एकादशी को फलाहार करना है, उस दिन भोजन नहीं करना है। और द्वादशी वाले दिन क्या करना है? सुबह उठ के सूर्य भगवान को अर्घ दे के भगवान विष्णु की पूजा करके फिर हमने पारण करना है, तब हमें पूर्ण एकादशी का फल मिलता है। तो आइए सुनते हैं इस उत्पन्ना एकादशी की कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर देवकी पुत्र श्री कृष्ण भगवान ने एकादशी के उत्पन्न होने की इस कथा का वर्णन किया। उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, सतयुग में चंद्रावती नगर में मुर नाम का एक क्रूर राक्षस हुआ था। उसने समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया। अब वो निराश होकर श्री विष्णु भगवान की शरण में गए। देवताओं की भलाई के लिए विष्णु भगवान ने मुर राक्षस से युद्ध कर उसकी सेना को अपने चक्र व गदा से छिन्न भिन्न कर डाला। उन्होंने अपने भीषण प्रहारों से मुर राक्षस को विदीर्ण कर दिया। घावों की पीड़ा से मुर राक्षस बेहोश हो गया। उसे मरा जानकर विष्णु भगवान विश्राम हेतु बद्रिका आश्रम की सिंहवती गुफा में चले गए। इधर मुर राक्षस चैतन्य होते ही बद्रिका आश्रम सिंहवती गुफा में जा पहुंचा और विष्णु भगवान की निद्रावस्था का लाभ उठाकर उन्हें नींद में ही मार डालना चाहा। तभी तत्काल विष्णु भगवान के शरीर से एक तेजोमयी दिव्य स्वरूप भीषण अस्त्रों से सुसज्जित कन्या प्रकट हुई। इस तेजस्विनी कन्या ने मुर राक्षस से भयंकर युद्ध किया, उसकी सेना को मारकर मुर का रथ चकनाचूर कर दिया, जिससे मुर राक्षस जमीन पर गिर गया और तेजस्विनी कन्या ने उसके ऊपर पैर रखकर मार दिया। सभी देवता जय जयकार करने लगे। इससे विष्णु भगवान जाग गए। उन्होंने उस दिव्य कन्या का परिचय जानकर उसे आशीर्वाद दिया। वे कहा, आज से लोग तुम्हें उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानेंगे और तेरी पूजा पाठ करेंगे। तुमने मेरा सुकाज किया और दुष्ट राक्षस मुर का वध किया, उसके कारण तुम अमर हो गई। एकादशी पर जो कोई व्रत या उपवास करेगा वह इस कथा को सुनेगा, उसके समस्त कष्ट व पाप नष्ट कर अनंत पुण्य का प्राप्त होगा, वह मोक्ष को प्राप्त होगा। इस वर की प्राप्ति से एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस व्रत के द्वारा संसार के समस्त वैभव और विष्णु भगवान की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। यह व्रत निष्ठावान के लिए अत्यंत सहज व सरल है। तो बेटा 11 दिसंबर को आ रही है उत्पन्ना एकादशी, आप व्रत करिए। व्रत नहीं हो सकता तो मात्र कथा सुनिए और पाइए अपनी मनोकामना की पूर्ति। अगर आपकी कथा में पूर्ण श्रद्धा है, विश्वास है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।